हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट वे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे सिंगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहां पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूं, जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर देता हूं। अगर आप चाहें तो हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप जहां पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर देता हूं। याद रखिएगा, इन दोनों ग्रुप्स में मैं जो भी ट्रेड शेयर करता हूं वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होती। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज एरोग्रीन टेक। इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर डेट के दिन शेयर किया था, 19th of October 431 पे मैंने दो टारगेट दिए थे। पहला टारगेट था हमारा 511, सेकेंड टारगेट था हमारा 581। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने देखिए यहां से कितने परसेंट के आसपास के रिटर्न दिए हैं, मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा। यहां से इसने रिटर्न दिए हैं 62% के। एग्जैक्ट इसी डेट पे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसी सेम डेट पे मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक हमारे लर्निंग ग्रुप में भी दिया था। क्योंकि कभी कभी ऐसे कोई स्टॉक्स होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वो स्टॉक्स मैं कभी कभी यहाँ पे आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं, तो ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया, जहां से मैंने ये स्टॉक लर्निंग ग्रुप में दिया था अपने प्रीमियम मेंबर्स को, वहीं पे मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था और दो मेजर टारगेट्स दिए थे और दोनों टारगेट अचीव हुए। एक बार को हमारे यहाँ पे पहला टारगेट अचीव हुआ, फिर प्राइस ने थोड़ा सा फॉल किया, उसके बाद देखिए प्राइस ने अल्टीमेटली हमारे सारे टारगेट्स को यहाँ पे अचीव किया हुआ है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए लाने का एक रीजन मैं आपको बताता हूँ, एक बार को ये सारे लाइंस को मैं हाइड कर देता हूँ। अब आप इस चार्ट को यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कर क्या रहे हैं। इसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए यहाँ पे ये था इसका एक हाई जो था हमारा 2017 का, ठीक है। प्राइस देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक को अब यहाँ पे कितने साल बाद ब्रेक करने वाला है, 7 years बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां से इसे ब्रेक करने वाला है, यानी कि 7 साल बाद का एक राउंडिंग कर्व का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है। सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं इसमें क्या टारगेट्स होंगे हमारे, 95% मैं ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता हुआ दिख जाता हूँ। ये तो एक बार को एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको टारगेट बता दिया, बट मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक सिर्फ इतने में ही सेटल नहीं होगा, इसे यहाँ से और भी काफी ऊपर जाना है। तो ये एक बार को मैंने आपको टारगेट दे दिया 1297 के, और यहां से ये पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मैं आपको दो स्विंग के और टारगेट दे दूं तो अभी ये 665 पे चल रहा है। हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 730 के आसपास का, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 790 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूं, दैट इज एरोग्रीन टेक, ठीक है। यही वो था पहला स्टॉक जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया था। तो चलिए इसके एक बार मैं आपको फंडामेंटल्स वगैरह शो कर देता हूँ, चलिए इसके फंडामेंटल के स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो देखिए हम आ गए हैं एरोग्रीन टेक के फंडामेंटल के स्क्रीन पे। देखिए 1000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी ही कंसिडर करेंगे इसे। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.2 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 26.1 का है। नंबर्स अगर देखे तो काफी बढ़िया है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखिए इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से फिलहाल अभी सस्ता है यहाँ पे। और एक चीज अगर आप ध्यान देंगे ना, यहाँ पे देखिए डेट टू इक्विटी 0.01 के आसपास का है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई खास कर्ज नहीं है। बेसिकली कंपनी करती क्या है, एक बार को हम कंपनी के बिजनेस को समझे तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1982 एरोग्रीन टेक लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल ग्रीन प्रोडक्ट्स, हाईटेक प्रोडक्ट्स एंड हैविंग पेटेंट्स इनकम फॉर सच प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। अब ये पर्टिकुलर क्या करती है आपको समझ में आ गया, बायोडिग्रेडेबल ग्रीन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये पर्टिकुलर कंपनी काम करती है, ठीक है। अगर हम इसके थोड़े से और भी प्रोडक्ट वगैरह देखें, देखिए वाटर सोल्यूबल फिल्म, वाटर सोल, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, बायो कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इन सारी चीजों के पीछे कंपनी काम करती है। ये सारे कुछ इसके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। तो एक बार को हमने यहाँ पे नंबर्स वगैरह देख लिया, चलिए इसके क्वार्टरली सेल्स वगैरह पे चलते हैं। देखिए कंपनी यहाँ पे बहुत छोटी है, कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे करके अपने नंबर्स को ग्रो कर रही थी, फिर बीच में यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कम हो गया था, फिर से यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी ने एक अच्छा
सेल शो किया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होके चलता है, बट यहाँ पे इस बार दोबारा से कंपनी ने एक अच्छा नेट प्रॉफिट भी शो किया है क्वार्टरली एंड क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, बीच में थोड़ा सा यहाँ पे इसके सेल्स कम हो गए थे, बट लास्ट 3 साल से देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली बड़े नंबर शो कर रही है। 2022 में 34 करोड़, 2023 में 109 करोड़, और 2024 में डायरेक्ट 150 करोड़। यहाँ पे भी देखिए हमें नेट प्रॉफिट ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बीच में यहाँ पे ऊपर नीचे दिखते हैं। मैं आपको ये सारी चीजें बस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एक चीजें समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलर कंपनी कैसी है, ठीक है। आपको नंबर्स वगैरह भी मैं दिखा रहा हूँ, इन्वेस्ट करना ना करना बेसिकली आपका कॉल होगा। मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताता हूँ कि चार्ट तो अगर सपोर्टिव है उसके बाद ही मैं आपको फंडामेंटल्स वगैरह दिखाता हूँ, जस्ट फॉर एन ओवरव्यू, ताकि आपको एक सिंपल सिचुएशन समझ में आ जाए कि कंपनी कैसी है, ठीक है। बैलेंस शीट अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए 112 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास कैश है, बोरोइंग्स मात्र 1 करोड़ के आसपास का है, यानी कि कर्ज कंपनी के ऊपर सिर्फ 1 करोड़ के आसपास का है जो कंपनी चाहे तो आराम से पे ऑफ कर सकती है, ठीक है। इन्वेस्टर्स में देखिए प्रमोटर्स के पास 68.60% की हिस्सेदारी है जो कि वो कंटिन्यूअसली 2-3 साल से होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। FIIs के पास यहाँ पे 0.21% की हिस्सेदारी है, FIIs ने यहाँ पे रिसेंटली माल बेचा है। पब्लिक के पास यहाँ पे 31.19% की हिस्सेदारी है, पब्लिक अगर आप यहाँ पे देखे तो अजय कृष्णकांत पारिक करके कोई थे, उन्होंने अपने यहाँ पे जो होल्डिंग थे उनको सेल किया है। और यहाँ पे देखिए कुछ फंड है और कुछ इंडिविजुअल्स है जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी तक अपने होल्डिंग को रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीके से एक नंबर दिखा दिया, कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, सेल्स वगैरह किस तरीके से जा रहे हैं, मैंने सारी चीजें आपको दिखा दी। और अब हम दोबारा से इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये चार्ट बेसिकली मेरा लाने का एक सिंपल रीजन था क्योंकि ये 7 साल बाद का यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है, प्लस एक राउंडिंग कर्व का ब्रेकआउट होगा, तो प्राइस सिर्फ 95% में सेटल नहीं होगा, मुझे पता है उसके बाद ये और भी ऊपर जाएगा। मैंने आपको स्विंग में भी टारगेट दे दिए। तो यही था आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज एरो ग्रीन टेक, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है इथोस। इथोस को देखिए लाने का यहाँ पे एक सिंपल रीजन है। इथोस के पहले मैं यहाँ पे एक बार चार्ट के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। इथोस को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, इसके वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे एक बार हम आ जाते हैं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली एक मल्टीवैगर कंपनी की अगर मैं बात करूं कि कंपनी अगर वो मल्टीवैगर कंपनी है उसे कैसे एनालाइज करे, उसे कैसे पहचाने। मल्टीवैगर कंपनी क्या करती है ना, मल्टीवैगर कंपनी हमेशा एक बड़ा साइडवेज एरिया पहले क्रिएट करेगी मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे, उसे ब्रेक करेगी, फिर कंटिन्यूअसली देखिए हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए वो इस तरीके से ट्रेवल करती जाएगी, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ अ मल्टीबैगर कंपनी। एक चीज याद रखिएगा, जो कंपनी इस तरीके से ऊपर जाती है ना, वो कंपनी इसी तरीके से नीचे भी आती है, ठीक है। बट जो कंपनी इस तरीके से ऊपर जाती है ना, वो कंपनी कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाती रहती है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि एक कंपनी जो समय बिताते हुए धीरे 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 ऊपर जा रही है ना, वो एक हमारे लिए सिग्नल होता है कि वो कंपनी आने वाले समय पे बड़े रिटर्न, यानी कि वो कंपनी आने वाले समय में एक मल्टीबैगर बन सकती है, अगर वो फंडामेंटली भी बैक्ड है, उसमें हमें ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में होल्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक सिनेरियो समझा दिया। अभी अगर आप एक चीज को ध्यान से देखें, यहाँ पे जब इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ था, ये जो हमारा एक एरिया था, ये था हमारा कितना का एरिया, 1100 के आसपास का एरिया। प्राइस ने जब इसे ब्रेक किया, देखिए प्राइस यहाँ पे हल्का सा रिटेस्ट करने आया, प्रॉपर इसने रिटेस्ट नहीं करा और यहीं से प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया। एक चीज को आप ध्यान से समझिए, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ना, इतने बड़े रैली के बाद इसने यहाँ पे फॉल किया था, कितने मंथ का फॉल था ये, जो फॉल था ना, ये फॉल था ऑलमोस्ट कितने मंथ का, अगर हम देखें फरवरी से लेके जून, यानी कि 4-5 मंथ का एक फॉल था। मैंने कल ये सेम एग्जाम्पल आपको एक स्टॉक में दिया था, अगर आपको याद होगा वो था ग्रेविटा इंडिया का, ठीक है। ग्रेविटा इंडिया में भी मैंने दिखाया था कि एक बड़े इंपल्सिव मूव के बाद वो 6-7 महीने के लिए साइडवेज होती है, फिर एक बड़ी रैली देती है, फिर साइडवेज होती है 5-6 महीने के लिए, फिर एक रैली देती है। यहाँ पे भी देखिए, ये जो पहला एक फॉल आया, एक करेक्शन आया ना, ये जो फॉल है और ये करेक्शन था, ये ऑलमोस्ट 4-5 महीने का था, ठीक है। फरवरी मंथ से आया यहाँ पे ये फॉल, और ये फॉल हमें देखने को मिला कब तक, जून तक। यानी कि इस चीज से हमें ये समझ में आता है कि जो 4 महीने का कंसोलिडेशन का पीरियड है, इस पर्टिकुलर टाइम पे प्राइस ने क्या करा, एक छोटा सा मैनिपुलेशन करा, कुछ सपोर्ट एरियाज को टेकआउट किए। ये जो हमारा एक छोटा सा सपोर्ट एरिया था, वहां पे टेकआउट किया गया प्राइस के द्वारा, प्राइस ने सपोर्ट एरिया से बायर्स को निकाला, प्राइस ने रिक्लेम किया, रीटेस्ट किया और बड़ा मोमेंटम दिया। मैंने अक्सर बताया है कि जब भी प्राइस को और एक बड़ा मोमेंटम की तैयारी करनी होगी ना, प्राइस इस तरीके से साइडवेज होगा, सपोर्ट एरिया से बायर्स को निकालेगा, मैनिपुलेशन करेगा, रिक्लेम करेगा, रीटेस्ट करेगा
और सीधा बाउंस करेगा। अब मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ, एक चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके से एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये था हमारा एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जहां से प्राइस ने क्या किया, एक रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन प्राइस ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया और प्राइस ने देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया। एक बार को हम वॉल्यूम देख ले, ह्यूज वॉल्यूम के साथ देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक निकल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां से डबल भी हो सकता है। मेरे मैं आपको अगर एक मेजर टारगेट दे दूं ना, मेरा जो मेजर टारगेट होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो होगा हमारा 6000 के आसपास का, जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। और मैं अगर आपको यहाँ पे स्विंग के दो टारगेट दे दूं, मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 3600 के आसपास का और मेरा जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 4000 के आसपास का। अब मैं आपको इसके फंडामेंटल के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, चलिए इसके फंडामेंटल के चार्ट एक बार देख लेते हैं। इस चीज को पढ़िए, इथोस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन November 5, 2007 एंड प्रोमोटेड बाई KDDL लिमिटेड। KDDL जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, एक कंपनी है। इथोस इज इंडियाज लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेल प्लेयर, ठीक है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा रिटेल प्लेयर है लग्जरी वॉचेस का, ठीक है। तो मैं देखिए आगे हूं इसके फंडामेंटल के स्क्रीन पे, देखिए मार्केट कैप कंपनी का यहाँ पे 8000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 96 का है, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 58.8 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो दिस कंपनी इज ओवर वैल्यूड, बट मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा और फाइनली डिसीजन सिर्फ आपका ही होगा, ठीक है। मैं बस यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशनल पर्पस पे ये वीडियो लेके आया हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 14.3% के आसपास का है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 11.0% के आसपास का है, जो कि एक एवरेज कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। डेट देखिए यहाँ पे कंपनी के ऊपर 0.16% के आसपास का है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट है बट उतना खास नहीं है, कंपनी को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार इसके हम लोग क्वार्टरली सेल्स वगैरह पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर्स अगर आप देखें ना, तो देखिए नंबर्स यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। बीच में यहाँ पे कंटिन्यूअसली देखिए ग्रो हो रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पे नंबर्स थोड़े से कम दिखे थे मार्च में, इसीलिए हमें मार्च में फॉल देखने को मिला था। नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ दिख रहा था, प्रीवियसली मार्च में यहाँ पे थोड़ा सा घटता हुआ हमें दिखा था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, बड़े प्लेयर्स को पहले से ही पता चल जाता है और इसीलिए आपको फरवरी से ही थोड़ी थोड़ी सेलिंग दिखनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे देखे, देखिए सेल्स इसके कंटिन्यूअसली अगर आप यहाँ पे देखें, बीच में सही जा रहे थे फिर थोड़े से कम हुए, बट मार्च 2021 के बाद से 387 करोड़, 577 करोड़, 790 करोड़, 1000 करोड़ कंटिन्यूअसली यहाँ पे 4 साल से देखिए कंपनी ग्रोइंग नंबर्स यहाँ पे शो कर रही है। नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे कंटिन्यूअसली नंबर्स ग्रो होते हुए हमें दिख रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए कंपनी के ऊपर 860 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है और कर्ज यहाँ पे मात्र 145 करोड़ के आसपास का है, जो कंपनी चाहे तो आराम से पे ऑफ कर सकती है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा प्रोमोटर्स यहाँ पे कॉन्स्टेंटली माल बेच रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अक्सर समझाया है कि प्रोमोटर्स अक्सर बल्क एंड ब्लॉक डील्स में प्रोमोटर्स वाले सेक्शन से माल बेचते हैं और FIIs और DIIs वाले सेक्शन से माल खरीदते हैं। देखिए FIIs कंटिन्यूअसली यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को अक्वायर करते हुए दिख रही है और DIIs भी देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली इसमें अक्वायर करते हुए दिख रहे हैं। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अल्टीमेटली जो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी है ना, वो बड़े प्लेयर्स के पास ही पड़ी हुई है। पब्लिक में अगर हम देखें तो देखिए पब्लिक में यहाँ पे 20% की हिस्सेदारी है, बट अगर ठीक ठाक अगर यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 6-7% की हिस्सेदारी फिलहाल हमें कुछ इंडिविजुअल्स के पास दिख रही है और यहाँ पे अगर ठीक ठाक समझे तो 12-13% के आसपास की हिस्सेदारी बस पब्लिक के पास है। अब मैं आपको इसके वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। अब मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दी, अब देखिए मैं आपको और एक यहाँ पे चीज दिखाना चाहूंगा। इस चीज को अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़े तो इस कंपनी के अगर आप ब्रांड्स को देखें ना, ब्रांड्स अभी आपने यहाँ पे देख लिए, एक बार को मैं इसके यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, इथोस इन इंडिया इज प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ ऑफिशियल रोलेक्स रिटेलर्स allowed to sell and maintain Rolex watches, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, देखिए ये है वेबसाइट इथोस का, ठीक है। अब अगर एक बार ब्रांड्स पे जाए ना तो देखिए यहाँ पे Rolex, रेडो और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, इन सबके यहाँ पे इथोस सारे कुछ मैनेज करती है और इथोस सारे यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो इथोस एक्चुअली कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, इथोस एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो जितने भी लग्जरी कंपनीज है, लग्जरी ब्रांड्स है जो वॉचेस बनाते हैं, उन सबको यहाँ पे सेल करती है और उन सबके यहाँ पे मैनेज करने का काम करती है इथोस, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, मैंने आपको इसके फंडामेंटल दिखा दिए, मैंने आपको इसके बिजनेस समझा दिए और मैंने आपको यहाँ पे इसके चार्ट पे टारगेट वगैरह भी दे दिए। तो ये था मेरा पर्सनल व्यू, मैं यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा,
मैं बस आपको फंडामेंटल शो करता हूं, मैं बस आपको कंपनीज के बारे में बताता हूं इसलिए ताकि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। बाकी अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाय करिएगा। तो यही वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।